वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। आज मैं लाया हूँ, अभी जस्ट एग्जाम हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का मैथमेटिक्स का सीरीज जे का। मेरे को सबसे पहले सीरीज जे का क्वेश्चन मिला, तो चलिए सीरीज जे का क्वेश्चन के साथ आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये आंसर होगा एक्स की पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस थ्री। कौन 3/3 के यूनिट मैट्रिक्स था, तो ये वाला ऑप्शन होगा राइट आंसर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन रिलेशन आर टू बी परपेंडिकुलर, तो ये कौन सा था, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इसका आंसर होगा। पी ए यू ए यूनियन बी का फार्मूला पूछा हुआ था, तो फार्मूला ये वाला ऑप्शन जो था वो आंसर सही होगा। डिटरमिनेंट पूछा था कि साइन दिस माइनस प्लस दिस साइन दिस, इसका वैल्यू एक हो जाएगा आंसर। टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला ये होगा आंसर, जो ऑप्शन होगा देख लीजिएगा क्योंकि सबका अलग अलग सीरीज होगा, तो क्वेश्चन अलग अलग होंगे, शायद ऑप्शन भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट है बी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, तो 1 0 0 इसका राइट आंसर होगा। कोसेक्स का इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2, इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, मॉडुलस निकालना था इतना का, तो रूट अंडर 422 आएगा इसका आंसर। ए डॉट बी किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन में बी डॉट ए के बराबर होता। ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था, सॉल्व करने के कितना आएगा, तो राइट आंसर इसका बनेगा 1। और tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x का होगा sec स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोल रहा था, तो इसका बनेगा 2 sin x into cos x, और sin इनवर्स x cos इनवर्स x का सम का डिफरेंशिएशन, तो इसका राइट आंसर 0 बनेगा। PA 3/8 और PB का वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू दिया है, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू, तो हमसे पूछा जा रहा था कि A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो राइट आंसर 5/8 होगा। नेक्स्ट है कि इस तरह से दिया हुआ था मैट्रिक्स का क्वेश्चन, 2 मैट्रिक्स के अंदर 3 4 5x प्लस 1 y 0 1 मैट्रिक्स था, और इज इक्वल टू कितना था, तो बोला था कि x और y का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू -8 होगा। हम अभी तक की ये 16 नंबर सॉल्व करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर है स्लोप ऑफ टेंजेंट, x का वैल्यू दिया था t के फंक्शन में और y का वैल्यू दिया हुआ था t के फंक्शन में, तो आंसर आएगा -6/7। x y z ये 18 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड का फैक्टर फॉर्म क्या होगा, तो एक्स आई वाई जे और जेड के का सम कर देंगे आंसर हो जाएगा। ए ए स्टार बी ये बाइनरी ऑपरेशन किया था, कि 2 ए प्लस बी था, तो 2 * 3 * 4 का वैल्यू कितना होगा, 18। इफ ए बी विल बी ऑन टू फंक्शन है, तो एफ ए बराबर बी होता है। नेक्स्ट है ए का वैल्यू मैट्रिक्स में दिया था, बी का वैल्यू मैट्रिक्स दिया था, तो हमसे पूछा था कि 2a + 3b का वैल्यू क्या होगा, तो 27 36 25 10 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है साइन के पावर 9x dx -π/2 से π/2 लिमिट है, तो इसका आंसर कितना होगा, तो राइट आंसर 0। एक वेक्टर का वैल्यू दिया था i + j + 2 के, एक वेक्टर का वैल्यू दिया था i + j - k, a वेक्टर + 3b का डॉट करना था 2a - b का, तो राइट आंसर इसका बनेगा -15। और एक था कि k का क्रॉस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट नंबर 25 x 15 4 4 का मैट्रिक्स नहीं था, सॉरी ये डिटरमिनेंट था, बराबर 0 था, तो हमको x का वैल्यू क्या निकलेगा, 15। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो राइट आंसर इसका 5/4 आएगा। कौन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो पहला ऑप्शन में था x²y (dx - x+y)/dy = 0, एक होमोजेनियस फंक्शन है। नेक्स्ट है dy/dx - y cos x = sin x cos x, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, तो e^-sin x होगा। साइन के पावर 3x * cos x लिमिट है 0 से π/2 dx है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1/4। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log(x)x का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो 1/e होती है। p का फार्मूला क्या होता है, तो ab/ms होता है, जो कि 10th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 + x² लिमिट 0 से 1, इसका आंसर आएगा 5/4। dy/dx + y sec x = tan x था, तो यहाँ से बोल रहा था कि आई एफ का वैल्यू क्या होगा, तो sec x प्लस tan x, यानी पहले तक हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, dx/(x²+16) का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 1/4 tan x/4 k। नेक्स्ट है 1/1 + x² इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो राइट आंसर इसका बनेगा tan x + c। और x²dx a से b तक की लिमिट है, तो इसका आंसर होगा bq - aq/3। डिटरमिनेंट सॉल्व करना था 1y - 1x, तो इसका आंसर आएगा x + y। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना था x के रिस्पेक्ट में, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/√1 + x²। dx/x का लिमिट था 2 से 1 तक, तो इसका आंसर हो जाएगा log 1/2। और log x / dx का log x का डिफरेंशिएशन 1/x,
थ्री फाइव फाइव का एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा था तो रूट 50 होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं टिक करते हो, टिक करना चाहिए था आप लोगों को, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। हालांकि सॉल्व करने के रूट 50 आ जाए तो 50 उसमें नहीं था। 10 वर्सेस 14 वर्सेस तो वैल्यू कितना होता है तो 5/2 और 43 नंबर था कि लेट और एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू और इससे रिजल्ट आ रहा है एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू, तो इसको बोलते हैं मैनुअल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको ऑर्डर बताना था तो ऑर्डर इसका 2 होगा। पी ए और पी यानी कि होने और नहीं होने का प्रायिकता सम दोनों का सम होता है 1 और साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 46 नंबर था, इसका राइट आंसर होगा कोसेक इनवर्स एक्स और सेक एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, इसका आंसर बनेगा लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ए क्रॉस ए का वैल्यू 0 होता है और 0 का बी से डॉट करेंगे तो राइट आंसर 0 बनेगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कोट एक्स प्लस से बनेगा इसका आंसर। ए का बोल रहा था ट्रांसपोजिशन निकालने के लिए, ए डैश निकालने के लिए, तो राइट आंसर ये बनेगा। बाकी थैंक यू सो मच, आप आंसर को मिलाइए, देखिए आपको कितनी सही होती है। बाकी वेरी वेरी वेरी